नमस्कार किसान भाइयों, मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कई कारणों से मिट्टी में से पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। बाजार में कई उर्वरक उपलब्ध हैं जिनका उपयोग किसान खेती में करते हैं। उनका उपयोग मौसम और विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर किया जाता है। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से सिंगल सुपर फॉस्फेट इस फर्टिलाइजर के बारे में पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपका अपने किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद किस फसल पर कब और कितना उपयोग करें, इसके क्या फायदे हैं, ये किसानों का इतना क्यों पसंदीदा फर्टिलाइजर है, इसमें कौन से पोषक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ये खाद फसलों को कितने दिनों के बाद मिलना शुरू हो जाता है, इसकी कीमत क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें और जब आपको अच्छा लगे तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फॉस्फेट एक सस्ता उर्वरक है जो फल और बीज के विकास के लिए आवश्यक है, जो पौधों को न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, सह एंजाइम फॉस्फेटाइड्स आदि जैसे महत्वपूर्ण फॉस्फेटाइड्स विकसित करने में मदद करता है। ये दिखने में कठोर दानेदार भूरे काले बादामी रंग का होता है और नाखूनों से आसानी से नहीं टूटता। ये फर्टिलाइजर के रूप में भी उपलब्ध है। किसान भाइयों, SSP मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट में शामिल घटक हम देखते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस 16%, कैल्शियम 21% और सल्फर 11% पाया जाता है। किसान भाइयों, इसमें से फॉस्फोरस जो है वो मेन न्यूट्रिशन है और कैल्शियम एंड सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिशन है। ये भी हमारे फसलों को अच्छी उपज देने के लिए महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, फसलों को नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता होती है, फॉस्फेट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फॉस्फेट पौधों की जड़ वृद्धि को बढ़ावा देता है, पेड़ पर फूल और फल लगते हैं, कोशिका विभाजन के लिए उपयोगी है। किसान भाइयों, SSP उर्वरक का उपयोग कब करें? तो SSP अन्य उर्वरकों की तुलना में कम घुलनशील होता है, इसलिए इसे हमेशा जुताई के समय खेतों में डालना चाहिए, क्योंकि कम घुलनशील होने के कारण ये मिट्टी में घुलने में अधिक समय लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंकुरण के बाद पौधों को बेहतर लाभ मिलता है। यदि किसी कारणवश इसका उपयोग जुताई के समय नहीं किया गया था तो आप इसे फूल आने और फल लगने के समय पर दे सकते हैं, क्योंकि फूल से फल बनने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है और इन दिनों में सिंगल सुपर फॉस्फेट मिट्टी में अच्छे से घुल जाता है और हमारी पौधों को आसानी से मिल जाता है। किसान भाइयों, यदि आपने बुवाई के समय सही बीज का चयन किया है लेकिन उर्वरक का उपयोग सही नहीं किया है तो ये आपकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कौन सी खाद कब देनी है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। किसान भाइयों, इस खाद में से जो फॉस्फेट होता है जड़ों के विकास को मजबूत करने में मदद करता है, शाखाओं के विकास में तने को मजबूत और चमकीला बनाने में मदद करता है, बीज फूल फल की संख्या को बढ़ाता है और फसल के विकास में मदद करता है। गंधक जो होता है वो पौधों की सर्दी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है, बढ़ाता है, विशेष गंध पैदा करता है। प्याज लहसुन मिर्च में तीखापन लाने में मदद करता है। सोयाबीन और तेल वर्गीय फसलों में तेल बढ़ाने का काम करता है। कैल्शियम का उपयोग देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की दक्षता को बढ़ाता है। फलों और सब्जियों के छिलके को मजबूत करता है, जिससे फलों और सब्जियों में ताजगी बढ़ती है। मिट्टी के लिए कंडीशनर के रूप में काम करता है और ये फसलों को मजबूती प्रदान करता है, और इसके साथ ही फ्लावर ड्रॉपिंग को भी ये कम कर देता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए धान दाल इस फसल में 100 से 150 किलो प्रति एकड़ हमें यूज करना चाहिए। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, मक्का, कपास, गेहूं और सब्जियां इनमें 150 से 200 किलो प्रति एकड़ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। गन्ना, प्याज, लहसुन, मिर्च और आलू में 200 से 250 किलो
प्रति एकड़ क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करें। लगभग सभी फसलों को सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट के कीमत की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 650 तक आपको 50 केजी का बैग बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। धन्यवाद।